हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम दोस्तों। सहायक मंडल वाशु चौधरी, सताक्षी विजय, हर्षिता खंडेलवाल, प्रवेश आराध्या, एबी भूमिका, अभिनव लोकेंद्र, प्रवेश सूरज, योगेश, नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग जाएगा। तो बच्चों, बहुत टाइम लिए बिना डायरेक्ट मैं पेपर स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। और आज के 25 क्वेश्चन में पहला सवाल दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिंपल बहुत है दोस्तों, इजी बहुत है। हमें आपसे सवाल का उत्तर केवल और केवल बेटा पोल पर चाहिए। कमेंट में आंसर करने की बेटा कोई बच्चा गलती मत कीजिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सत्तर % बालक कर पा रहे हैं, 30% बच्चों को इस बात में डाउट है। बताओ, इतने इजी क्वेश्चन में भी आप लोगों ने कहानी गलत कर दी बेटा। शैलेश कुमार भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई विपुल, हमें एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया मेरे भाई। और हम आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। की है इन तीनों का प्लेस आपस में चेंज किया है, इन तीनों को बेटा आपस में चेंज किया है। और बीच में अगर आप गौर करें तो टी से लेकर एस तक जाने के लिए एक एक माइनस किया। बीच वाले में दोस्तों एक माइनस किया है, मिडल वाले में जाएगा बेटा। आपको बेटा ये सेम आकृति ढूंढनी है कि सेम आकृति कौन से ऑप्शन में एम्बेडेड है, सेम आकृति कौन से ऑप्शन में दी गई है। बिल्कुल इजी सवाल है बेटा, आंखें आपकी ठीक से खुलती हैं आप इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे बड़े आराम से। उदित जैन मेरे भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। बेटा प्लस पे पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। जो बच्चे बेटा प्लस पे सब्सक्रिप्शन लिए हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है वो आपको बताएंगे बेटा, सही जानकारी एक्चुअल में बेनिफिट है या नहीं। बेटा मेरी ओर से तो बहुत बेस्ट चीज है। विनीत अलका जी कह रहे हैं बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया। छप्पन % बालक इस सवाल में सॉल्व कर पाए। अच्छा भाई अंशु, धन्यवाद, बहुत इजी बेटा। बेटा सुनिएगा, आपको नंबर देखकर आइडिया हो गया होगा ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। बेटा ऑप्शंस में आपको देखो सब में स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं, तो ये बात बेटा बड़ी क्लियर हो गई कि पहला और तीसरा नंबर ना स्क्वायर का है और स्क्वायर का कोई लॉजिक दिया गया, स्क्वायर का कोई लॉजिक आपको दिया गया। तो 3 और 4 7 होते हैं, 7 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 35। 7 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 35 हो गया। बेटा देखो इसमें लॉजिक क्या है, ये 4 है और ये 8 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 12, 12 का अगर 5 से गुणा करूंगा बेटा 60 बनेगा, 50 नहीं बनेगा, ये उत्तर बन नहीं पाएगा। ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। 11 का अगर 5 से गुणा करूंगा तो 55 बेटा एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल सेम लॉजिक है। इसको बोलते हैं सेट बेस्ड क्वेश्चन, सेट वाला सवाल दोस्तों बनेगा। इंग्लिश में ऑप्शन सही नहीं है, अरे कोई बात नहीं भाई, इधर फर्स्ट कर लेना भैया। 1 और 3 सही है, 1 और नहीं सेकंड ही है क्या, सॉरी 2 और 3 सही है बेटा, 2 और 3 सही है, 2 और 3 कोई बात नहीं, सेकंड और थर्ड सही। सिलोलिज्म के क्वेश्चन तो भैया देखते ही आपका मन करता होगा सॉल्व करने का, सिलोलिज्म के क्वेश्चन तो देखते ही काम हो जाएगा। पोल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है जय कुमार जी, ध्यान से देखिए।
चार में से तीन बातें किसी भी पर्पज से आपको सेम करनी है बेटा, कोई भी एंगल, कोई भी विचार, कोई भी दिमाग लगाकर चार में से तीन बातों को सेम कीजिए। जब आप किसी भी एंगल से चार में से तीन बातों को सेम कर पाएंगे, चौथा पॉइंट बेटा आपका अलग अपने आप बन जाएगा। अगर आप 9-10 बनेगा 13, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी रिदम को फॉलो नहीं कर रहा। देखिए बाकी तीनों में बीच का डिफरेंस चल रहा है कॉन्स्टेंट। सीधी सी बात, आसान सा लॉजिक, एनालॉजी का सवाल दोस्तों, जो रिलेशन 36 का और 84 का है, सेम रिलेशन किसका बनना चाहिए, सेम बात किसकी बननी चाहिए, डिटो लॉजिक बेटा बनना चाहिए, लॉजिक में फर्क नहीं आना चाहिए भाई। बेटा रेशियो बना दीजिए, अनुपात बना दीजिए इनका। आपको पता है अगर इन दोनों को अगर 12 से कट लिया जाए, 12 से, तो 12 से काट के बेटा 3:7 बन सकता है क्या? मैं 36:84 को 12 से काट के 3:7 दे सकता हूं। जिस सवाल में 3:7 दिख जाए वही आपकी एनालॉजी है दोस्तों। ये दोनों अगर मैं काटूं तो 3 से कट पाएंगे, 3 से काट के 7:17 बनेगा जो कि सही नहीं है दोस्तों। बी ऑप्शन में दोनों नंबर देखो 9 से कट जाएंगे और 9 से कटकर 9 3 27, 9 7 63, 3 7 ही आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दिस इज द राइट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर है। एनालॉजी का सवाल दोस्तों, जो रिलेशन ए और बी का होता है सेम रिलेशन सी और डी में ज्ञात करना है, कोई मुश्किल जानकारी नहीं है दोस्तों। 1 मिनट का सवाल देंगे, 1 मिनट का टाइम देंगे आपको सवाल करने के लिए। 1 मिनट मिलेगा, बड़े आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। ग्यारह बजे रीजनिंग का बैच चल रहा है, अभी टॉपिक क्लॉक चल रहा है, इसके बाद क्यूब आएगा, फिर डाइस आएगा, फिर ब्लड रिलेशन आएगा, पढ़ लीजिएगा पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 जोड़े हैं, प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, बी और डी भाई हैं, प्रत्येक के 2 बच्चे हैं बेटा, बी और डी है भाई। अब प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, इसका मतलब ये दोनों मैरिड कपल में होंगे, इनकी कोई धर्म पत्नी है, इनकी कोई धर्म पत्नी है, और दोनों के 2-2 बच्चे हैं, बी और डी के दोनों के 2-2 बालक हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, ठीक है। ई ए की आंटी है जो सी का कजन भाई है, आपको ये लाइन दी गई है एफ बी की पत्नी है, यहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एफ बी की पत्नी है, इधर आपने एफ लिख दिया, ठीक है। ई ए की आंटी है तो बेटा ई को बताओ इसी पॉइंट पे मानना पड़ेगा, ई इसी पॉइंट पे मानेंगे, ई ए की आंटी है तो यकीनन ए इनका बेटा बेटी होगा, तभी ई उसकी आंटी बन पाएगी। जो सी का कजन भाई है, जो ए है ना ए बेटा, ये सी का कजन भाई है, ये सी का कजन भाई है, सी इनका बच्चा आएगा। सी एच की बहन है
सी एच की बहन है जो जी का कजन भाई है, जो जी का कजन भाई है दोस्तों, ये आपका बनेगा पूरा डायग्राम दोस्तों, ये बनेगा पूरा सवाल का तरीका। एक बार आप इस क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन टॉपिक में पढ़िएगा, आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएंगे। जिनको ये डायग्राम क्लियर है उनके लिए सवाल करना बहुत आसान है। तो बताओ बेटा एच एफ से कैसे संबंधित है, तो एच एफ का भतीजा आएगा दोस्तों। भतीजा मतलब आप कहोगे नेफ्यू, आप वैसे जानते हैं कि नेफ्यू का मतलब दोस्तों भतीजा और भांजा दोनों होते हैं, वो क्वेश्चन की आवश्यकता के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, सवाल के हिसाब से बनाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया सवाल था ये, सही था लेवल बेटा। देखो पेपर में ऐसा ही बनता है, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं कुछ अच्छे आते हैं, आपको हर एक लेवल की बात आनी चाहिए तो ही तो रिजल्ट बन पाएगा। छह नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया ऐसा, छह नंबर क्वेश्चन में रिलेशन बन रहा है तीन और सात का, तीन और सात का रिलेशन सिर्फ ऑप्शन बी में है और कहीं नहीं है, और कोई लॉजिक काम नहीं करेगा यार, और कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। तीन और सात का रिलेशन केवल और केवल एक ही जगह बनेगा, और 19 गुणा सात होते हैं 153। सवाल 133, 19 गुणा सात होते हैं 133, वहां लिखा था 135, 17 गुणा नौ कर दिया मैंने है। अच्छा बेटा कौन, बहुत बहुत धन्यवाद। एनसाइक्लोपीडिया और बुक का रिलेशन, एनसाइक्लोपीडिया और बुक का रिलेशन सेम किसका बनना चाहिए, भाई साहब गजब ही बात कर दी। अरे बुक एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बुक, ये बुक का प्रकार है। अरे किताब के बड़े अलग अलग नाम होते हैं बेटा, नॉवल भी एक प्रकार की बुक होती है, एनसाइक्लोपीडिया भी एक प्रकार की बुक होती है। तो एनसाइक्लोपीडिया इज अ टाइप ऑफ बुक, बॉल इज अ टाइप ऑफ टेनिस नहीं, फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ ट्री नहीं, वुड इज अ टाइप ऑफ फर्नीचर नहीं, पाइथन इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल एग्जैक्टली दोस्तों, अजगर एक प्रकार का सरीसृप होता है। कैटेगरी की बात की जाए तो एनसाइक्लोपीडिया बुक में आता है और पाइथन बेटा रेप्टाइल में आता है। बी उत्तर बनना चाहिए था, आधी से ज्यादा क्लास ने गलत कर दिया भाई। सवाल नंबर 9 दोस्तों, इस आकृति में आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर। वर्ग ज्ञात दोस्तों करने हैं, आसान बहुत है, इजी बहुत है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक इसमें स्क्वायर काउंट कर पाओगे। तुक्के मारने वाला काम दोस्तों नहीं है, ईमानदारी से कीजिएगा। घने लोगों ने तो काउंट कर लिए और कई लोग सिर्फ ये एग्जामिन स्क्वायर दिखे क्या, पांच आप कहोगे जी हाँ सर पांच है, टिक करके ना एक दो बढ़ाकर टिक कर दिया कि चलो क्या आपका सही हो जाए, लेकिन वो फेल हो गए बेटा। मीडिएटर बेटा, मीडिएटर क्या करेगा, मीडिएटर करवाएगा दोनों का सेटलमेंट। वो कहेगा भैया चल ठीक है यार, तेरे 500 रुपए मांगते हैं, तू कह रहा 100 रुपए देने हैं, चलो 300 दे दो, काम खत्म करो दोनों का, दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गई। यही होता है बेटा सेटलमेंट, और कोई दिक्कत नहीं है।
सुशांत, अभिषेक, गौरव, हर्षिता, यश, ताहिर, शुभम, कोवैक्सिन, सुनील और अनिश मिश्रा, बेटा आप सवाल एग्जाम सीजीएल सीपीयू के दोगे तो आप 100% बेटा ये काम कर पाओ। सवाल है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात भी नहीं है, इसमें तो कोई घबराना नहीं है, एक पल के लिए भी चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों। बेटा जो नंबर सिस्टम टॉपिक आप पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम, पूरी बात आपको समझ में आ रही है? बढ़िया वाली बेटा, नंबर सिस्टम पे कमांड बन रही धीमे धीमे। मैं आपको बेटा उस क्लास में साथ में क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, प्रॉपर क्लास नोट्स, पीडीएफ, सब चीजें बेटा आपको मिल रही हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। 3 × 4 किया 12 और 12 का दोस्तों डबल लिख दिया 24, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, 1 और 3 का गुणा करके आपने डबल कर दिया, 24 बन गया। दोस्तों फिगर सीरीज टॉपिक दोस्तों कल आपको पढ़ाया गया था चार बजे क्लास में, हाँ फिगर सीरीज टॉपिक करवाया गया था। फिगर सीरीज का मतलब क्या है, कहानी क्या है, पॉइंट क्या है, ये बातें दोस्तों आपको समझाई गई थी डिटेल में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। बेटा ऑप्शन देख लेना, 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर ऑप्शन ये रहा, 3 नंबर ऑप्शन ये रहा और 4 नंबर ये रहा। ये ऑप्शंस के सीक्वेंस थोड़ी उठापटक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शंस बेटा देख लेना, 1 नंबर यहां लिखा हुआ है, 2 नंबर यहां लिखा हुआ है, 3 नंबर यहां लिखा हुआ है और 4 नंबर ये लिखना है। ये मत कहना कि हमने ऑप्शन गलत पढ़ लिया, पहले बता दिया मैंने ऑप्शन की सीक्वेंस कैसी है, कहीं ऑप्शन पढ़ने में गलती मत कर दीजिएगा। कई लोग उत्तर इस सवाल का डी कर रहे हैं, पता नहीं डी कैसे कर रहे हैं। अरे जो अंकल है, अंकल इज अ काइंड ऑफ रिलेटिव, जो आपके चाचा हैं वो एक प्रकार से रिलेटिव तो हैं, रिलेटिव के अंदर बनेगा चाचा, रिलेटिव के अंदर बनेगा चाचा और रिच, रिच बेटा कटते हुए बनेगा, गजब की बात है। कुछ ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, ये है अंकल, ये है रिलेटिव और ये है रिच। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, बिना कोई डाउट के, बिना कोई दिक्कत के। सवाल नंबर 14, सी कैसे बन जाएगा ताहिर, सी में क्या है, ये रिलेटिव हैं और ये अंकल हैं और ये रिच है, तो क्या कोई अंकल रिच नहीं हो सकते, क्या कोई अंकल रिच नहीं बन सकते, क्या होते हैं? तो बस बेटा जरूरी नहीं है, मतलब ये होता है कि हो भी सकते हैं और नहीं भी, हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो मैंने जो बनाया था इसमें अंकल रिच नहीं भी है और है भी, दोनों बातें होती हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों बातें क्लियर। अच्छा संजू सैमसंग मोनू घूमते फिरते आए, बोले डी होगा, उनके हिसाब से जो अंकल है वो रिलेटिव नहीं होते भाई साहब, उनके हिसाब से जो अंकल है वो रिलेटिव नहीं होते, वो अंकल को रिलेटिव से बाहर मानते हैं, भाई क्या कर सकता हूं, कोई इलाज थोड़ी तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि अंकल रिलेटिव नहीं है और बताते हैं कि डी होगा, पूछते नहीं है, बताते हैं कि डी होगा, बोले सर आपने गलत कर दिया, उत्तर ये आएगा। मार्केट पहले सब्जियां आएगा फिर इसका सवाल तो चाहिए। जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है दोस्तों,
आराम आराम से कीजिएगा, एक मिनट का टाइम दिया, मोर देन सफिशिएंट दिया बेटा। बहुत इजी है, सबसे पहले 16 से तो तीन आंसर सीखते हैं। वेरी तो के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हर वेनसडे से बेटा टॉप एजुकेटर्स उन्होंने फाइनली, तो मतलब ये चीज बेटा फाइनल है, सीईटी का एग्जाम होगा। पहले ये कयास लगवाए जा रहे थे कि 21 के मिड एंड में होगा, लेकिन उन्होंने सफलता बैच है, सफलता बैच 2021 CHSL के लिए बेटा, CGL के लिए को एक साथ कर दिया गया बेटा, तीनों को एक साथ कंपाइल कर दिया और आपका CET का एग्जाम बना दिया। अब दोस्तों प्री एग्जाम अलग अलग नहीं होंगे, बैंकिंग का, रेलवे का, SSC का प्री एग्जाम अलग अलग नहीं होगा, एक ही प्री एग्जाम देना है और एक ही प्री एग्जाम में आपका सारा काम हो जाएगा, एक ही प्री एग्जाम में। अरे श्रुति बेटा ये सब कहने की, अभी कोई डेट बताया उन्होंने, लेकिन ये थोड़ी पता है कोई एग्जाम का सिलेबस क्या है क्या है। एक बालक कर गया है कि अगर मैं SSC का सब्सक्रिप्शन लूंगा तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा। बेटा एग्जाम क्लियर पढ़ने पर होता है, सब्सक्रिप्शन लेने पर नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन में आपको बेटा सिखाया जाता है, गाइडेंस मिलती है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अगर बेटा ऐसा होता कि केवल 7020 रुपए देके सरकारी नौकरी लग जाती तो फिर भारत में बेरोजगार होता क्या? लाइक 12 में से 6 घट से गए हैं, सारे बच्चों को इन सवालों पे 100% गारंटी सी हो गई है। नंबर सीरीज का सवाल देखते ही बालक बड़े खुश होते हैं कि सर इसका तो उत्तर आ ही जाएगा हाथों हाथ। डबल करके 2 जोड़ा 16, 16 का डबल करके 3 जोड़ा 35, 35 का डबल करके 4 जोड़ा 74, तो यही 74 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। सीरीज के सवालों में आपको बड़ी संख्या से, बड़े नंबर से ये हेल्प मिलेगी दोस्तों, बड़े नंबर से आपको ये आइडिया हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, कितना आसान। भैया आपकी स्क्रीन पे पॉइंटर जहां दिखता है, मेरे पास बेटा पॉइंटर वहां नहीं होता। आपकी स्क्रीन और मेरी स्क्रीन बेटा अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे में जहां पॉइंटर है वहीं आपको दिखाई पड़ता हो, नहीं, मेरी कहानी अलग चलती है। तो और इस के लिए आपको रेशो की बात समझनी पड़ेगी। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं जी, सवाल बड़े आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी का सीन नहीं है दोस्तों। क्यों भैया तुम्हें डाइस के नियम नहीं याद क्या? डाइस के बारे में बेसिक जानकारी नहीं आती आपको गौरव मित्तल? जब एक सरफेस कॉमन होता है, कॉमन से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं। डाइस की कहानी बेटा 11 बजे वाले बैच में जल्दी आएगी, पढ़ लीजिएगा एक बार। पचास % बच्चे ही सॉल्व कर पा रहे हैं, केवल आधी क्लास को मतलब इस सवाल का उत्तर मिल रहा है।
ए का हिस्सा बी और हिस्से के कंबाइंड रेशो से आधा है, मतलब ये एक है और ये दो है, ऐसा ही है क्या दोस्तों? ऐसा ही है। और बी का जो हिस्सा है बी का, वो ए और सी के कंबाइंड हिस्से का एक चौथाई है, ये चार है और ये एक है। दोस्तों मैंने रेशो में आपको ये बात सिखाई, देखो कि इसमें भी ए बी सी है और इसमें भी ए बी सी है, तो इनका जोड़ भी सेम आना चाहिए। अब इधर तो जोड़ बन रहा है तीन, इधर जोड़ बन रहा है पांच, ये तो सही बात नहीं है। जोड़ बराबर करने के लिए क्या करें, इसको अपन गुणा कर लेते हैं पांच से, इसको अपन गुणा कर लेते हैं तीन से। दोस्तों देखो ऐसा करने पे क्या होगा, ये पांच और ये दस बन जाएगा, ये तीन और ये बारह बन जाएगा। क्या इनका जोड़ अब पंद्रह पंद्रह सेम बन गया, क्योंकि इसमें भी एबीसी था इसमें भी एबीसी था, तो पंद्रह पंद्रह सेम हो गया बेटा। 1875 टोटल रुपया है, टोटल मतलब ये 15 की वैल्यू है, 1875 टोटल है बेटा, ये 15 की वैल्यू है। और देखो अगर मैं तीनों की अलग अलग अमाउंट की बात करूं ना बेटा, तो ए को 5 रुपए, बी को 3 रुपए और सी को मिलेंगे 7 रुपए, ये रेशो बनना चाहिए। तो 1875 बटे 15 गुणा सी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है बेटा, तो ये कटेगा 15 एकम 15 तीन सात तो 125 बार 250 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। जितने बच्चों ने हमारे मैथ्स के कोर्स में रेशो टॉपिक पढ़ा है वो लोग इस सवाल को बड़े कंफर्ट लेवल पे कर पाए क्या, बड़ी आसानी से समझ पाए क्या? ठीक है दोस्तों, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग दोस्तों जल्दबाजी मत कीजिएगा, दोस्तों सवाल में हेर फेर मत कीजिएगा, आसान चीज बहुत है ये। सारी साइड में कट बेटा केवल थे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, मिरर टॉप है, टोटल बेटा सारे सारे सवाल सही बनने चाहिए, टोटल सवाल सही होने चाहिए। 838 बच्चे लाइव आ चुके हैं बेटा, बहुत बहुत आभार आप सभी का, 1000 का आंकड़ा लगभग बच्चे आजकल हम अचीव कर ही रहे हैं लगभग। बेटा लेकिन अप एंड डाउन इज इट ओके, आपको करवाया जा जी से बनेगा बनेगा डी, तुम कोडिंग डिकोडिंग डी आई जी को आपने लिखा है 25, सी यू टी को कट लिखा है बेटा 49, तो किक का कोड कैसे किया जाएगा, हाउ कैन वी राइट किक? एक बालक कह रहा जी आराम से करवाओ, हजार बालक पूरे करवा दो हैं, अरे यार बहुत बढ़िया, काफी वालों सवाल कर पाए, काफी बच्चे नहीं कर पाए बेटा, बी केयरफुल। डी आई जी आपने कोड कैसे किया दोस्तों, डी आई जी 4, 9 और 7, 9, 4, 13 और 7, 20, 20 में अगर आपने 5 जोड़े तो 25 बन जाएगा बेटा। क्या बालक हजार हो गए क्या, हजार तो नहीं हुए अभी,
950 हुए, सी यू टी 3 और 21 24 और 20 44 44 में भी आपने 5 जोड़ा बेटा 49 बन जाएगा। तो किक की बात करो के आई सी के 11 और 9 20 और 3 23 और 11 34 34 में भी 5 जोड़ना पड़ेगा 39 इज द राइट आंसर। 39 दोस्तों आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा, 39 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। टोटल आपने बेटा इन सवालों में ना ये नंबरिंग से आपको आइडिया लेना है कि 25 24 ये जो कोड बनते हैं अक्सर बेटा अल्फाबेट की नंबरिंग को जोड़कर इस प्रकार के कोड बनाए जाते हैं। सौंफ जीरा सरसों बेटा एक चीज को अलग करना है और एक को अलग करने के लिए बाकी के 3 को सेम करना पड़ेगा। जब भी दोस्तों 4 में से एक चीज को अलग करना है ना तो बाकी के 3 आपको सेम करने पड़ेंगे दोस्तों, बाकी के 3 को आपको सेम लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मूंगफली इन सब में से अलग में आते हैं मसाले अलग करने के लिए, 1 ग्रेट दोस्तों, पहली बार नहीं आ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आभार दोस्तों, बने रहिए इसी प्रकार डेली आप। अरे आदित्य पहली बार नहीं आए भाई, पहली बार नहीं आए भाई, आते हैं बेटा रेगुलर क्लास में आते हैं। 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से सेम है, 1 संख्या अलग है बेटा, अलग का आपने चयन करना है, अलग को आपने ढूंढना है, अलग क्या बनना चाहिए। ऑड वन आउट के सवाल तो जानते ही हो, छह के क्यूब में 1 प्लस है, 5 के क्यूब में 1 प्लस है, 9 के क्यूब में 1 प्लस है और ये बेटा क्यूब में 1 प्लस नहीं किया हुआ है, ये नंबर क्यूब में 1 प्लस नहीं किया हुआ है, बाकी 3 क्यूब में 1-1 ऐड किया गया था और इस नंबर में क्यूब में 1 ऐड नहीं किया हुआ है। दोस्तों 25 क्वेश्चन में हम बात करें बेटा क्लास में तो सुशांत गौरव और हर्षिता टॉप 3 रैंक पे आप हैं, टॉप 3 रैंक पे गौरव अभिषेक ताहिर शुभम कोवैक्सीन सपना बेटा टॉप 8 बच्चों ने 25 के 25 सवाल सही किए हैं और बाजरा अनिश आपने 24 सवाल सही किए हैं बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही काम करते हैं दोस्तों, 11 बजे वाली क्लास में टॉपिक हमारा चल रहा है जिसका नाम है क्लॉक। तो बेटा क्लॉक पढ़ने के लिए आप 11 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं आज शाम को 4 बजे भी आपकी क्लास होगी, दोपहर में 2 बजे भी क्लास होगी बेटा, तो आज